हिसाब से डोर बहुत भारी है। 12-15 वोल्ट लग रही है मेरे को ये। आ जाएगी इंशाल्लाह, आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होगे भाइयों। और आज हमारा है प्रोग्राम सत्तार भाई के साथ, जैसा कि सत्तार भाई साथ बैठे हुए मेरे। हाँ सत्तार भाई, अस्सलाम वालेकुम। करेंगे आगे, चलो भाई। आज हमारा भाई किस चीज़ का प्रोग्राम है सत्तार भाई, खुद बताइए। मछली बड़े 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 दंदी है, मछली फ्राई का प्रोग्राम है। वाह भाई वाह, पहले से ही बता दिया बड़े बड़े दंदी है। वाह यार सत्तार भाई, तो भाई अल्लाह से मांग के रहना चाहिए, तो इंशाल्लाह मिलेंगे और लगे हमें कोशिश में। अभी आए हम लोग सुबह ही सुबह, और अभी हम जो है यहाँ बैठे हुए हैं, और मुझे बुखार भी बहुत है भाई। अभी सेट नहीं है, मगर फिर भी मैं यहाँ आया हूँ सत्तार भाई की मोहब्बत में। सत्तार भाई और हम लोग यहाँ पर एक पार्टी करेंगे छोटी सी VIP, जैसा कि हमने वीडियो में बोला था पीर वाले दिन आएंगे, आँखें भी नहीं खुलनी, सूरज आ गया। और बस चलते हैं, फिशिंग स्टार्ट करते हैं। नुमान मेरे साथ है पीछे भाई, माशाल्लाह आज का पहला दंदिया नौमान ने निकाल लिया। अभी हम नाश्ता कर रहे थे और डोर अचानक चली है, आटे पे लगाए भाई सत्तार भाई के नाश्ते की बरकत है। और सत्तार भाई के साथ आज काय का प्रोग्राम है भाई हमारा, आज मछली फ्राई का प्रोग्राम बनेगा। तो सत्तार भाई आए हुए हमारे, और आज बहुत बेहतरीन ऐसे माशाल्लाह बड़े बड़े दाने बनाएंगे, और इन्जॉयमेंट चल रहा है अभी। सही है भाई, तो बस ये है कि आज के ये पहला दाना है इंशाल्लाह, लगे मैं कोशिशों में। हाँ भाई देख लिया आज, और ये कश्ती जा रही है भाई। आज ईद का तकरीबन 4th-5th दिन है, पीर का दिन है ना। वाह यार वाह भाई, अभी माशाल्लाह एक दंदिया लगा है सत्तार भाई को, और एक लगा है नौमान भाई को। देखो भाई शकील भाई की तो थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई है, तो ये आराम कर रहे हैं भाई, क्योंकि पानी जो है ना, पानी जो है ना अभी थोड़ा सा मेला हुआ हुआ है और इंतज़ार भी है। क्या हो गया शकील भाई आपको? यार बुखार चढ़ रहा है और दवाई खाई है अभी मैंने, लेटा हुआ हूँ, हिम्मत नहीं हो रही है कि शिकार खेल पाए, और कुछ मछली मारी है अभी हमने नदी वगैरह अच्छे साइज की, मगर ये है कि पानी के जो चढ़ाव था ना, शुरू के चढ़ाव में मच्छी ने थोड़ा बहुत खाया, और रात में मछली बेहतर खा रहा था। कुछ दोस्त मिले थे उनसे मैंने मालूमात की, तो वो रात में बता रहे मछली अच्छा खा रहा था। ये हमारे सत्तार भाई आए हैं, और अभी पानी मेला हो गया। ये भाई हमें नज़र आया है, लेकिन पानी के अंदर अभी हम मछली पकड़ लेते। ये गिरगिट था मेरे ख्याल से, क्या था नुमान भाई? ये गिरगिट था, ये पानी में गिर गया है या तो फिर कोई और मसला है? ये पता है क्या हुआ है? हाँ ये टैंक से आया, ये कहीं से गिरा है नहीं, इसमें चला गया। लगे हमें भाई मछली फ्राई की नहीं है कोशिश करने में। हनुमान भाई क्या बना रहे हैं आज सत्तार भाई? आज सत्तार भाई भाई मछली फ्राई का प्रोग्राम है, और थोड़ा बहुत खाने भी बना है। अच्छा आपका डोर बहुत भारी है। हाँ 12-15 वोल्ट लग रही है मेरे को ये। आ जाएगी इंशाल्लाह, आ जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आराम से जा रहा हूँ।
कांटा था और ये सत्तार भाई की मोहब्बत में लगा क्योंकि सत्तार भाई ने बोला था शकील भाई को मछली दिखाओ नज़ारा कराओ। पट्टी वजन तीनों का कांटा और ये आ गया काला दंदिया। एंड हो गया सत्तार भाई। ये देखो आप माशाल्लाह शकील भाई ने दो माशाल्लाह। ये देखो ये आज भाई सत्तार भाई की मोहब्बत में। मेरे को तो खैर बुखार था, मैं सो रहा था, मगर जब मछली का टाइम शुरू हुआ तो अल्लाह ताला ने देखो नवाजना शुरू कर दिया है। ये देखो माशाल्लाह। आज भाई ईद का तकरीबन पांचवा दिन है ना बकरा ईद का। बिल्कुल माशाल्लाह यार क्या बात है भाई क्या बात। पीर का दिन है आज। पीर का दिन है जी। बस सांस फूल रहा है क्योंकि भाई बीमार आदमी का जो है ना बड़ा मसला होता है। तो ये भाई लग रहे हैं और इंशाल्लाह ट्राइयां चल रही हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज बेहतरीन आलू बुखारे की चटनी के साथ मछली फ्राई चपाती एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों अभी मेरे को ये घिसर लगा और मैं जो है इसको लेकर आ रहा था, अचानक ये सीधी डोर आते आते कोई ऐसी मछली इसके ऊपर हमला किया मछली ने और इसको यहाँ से इसको पकड़ा था। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा कि ये देखें इसके दांतों के निशान आपको नज़र आ रहे होंगे। देखें ताज़ा ताज़ा खून आपको ये देखें। ये साइड भी पूरी चेक करें ये देखें। और इसको यहाँ से दो जगहों से इसने हमला किया, इसको दांतों के निशान है मछली के। तो ये घिसर था, घिसर का पट्टा। तो इसके ऊपर क्या मछली था मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, या तो कून था या कोई बड़ा ही घिसर था, फंस गया था समझ लो, मगर वो वापसी उसने छोड़ दिया। मैं तो आटे की डोरी कर रहा था, इसको लाते में इसके ऊपर लटका। तो ऐसे भी मामला हो रहे हैं दो दरिया पे भाई। सत्तार भाई क्या कहोगे इसके बारे में? माशाल्लाह भाई एंड कर दिया माशाल्लाह, बहुत प्यारा मछली मारा है। और माशाल्लाह देखो दोनों दंदिये कैसे लग रहे हैं। फिर दंदिये तो माशाल्लाह दंदिये तो एंड कर दिया। आज क्या खिला रहे हो आप? आज इंशाल्लाह फ्राई खिला रहे भाई। आज हैं फ्राई खिला रहे। और फ्राई के साथ कौन कौन सी चटनियां लाए हो? इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी भाई। अच्छा, और दही का रायता भी है। दोस्तों ये पानी की कंडीशन आप लोग देखें, ये जो पानी है बिल्कुल जब खाली हो रहा है, पानी उतार हो रहा है, तब जाके ये पानी साफ़ हो रहा है, तो इसमें मछली खा रहा है। और वैसे जो ये पानी जब समझ लें कि फुल हो रहा है तो उसमें पानी बहुत मेला हो रहा है तो मछली नहीं खा रहा था। तो काफ़ी टाइम से हमारे सारे साथी लगे हुए थे मगर मछली नहीं खा रहा था। नुमान भाई अब शिकार शुरू हुआ है, अब लग रहा है। तो भाई लगे हुए अभी देखें, ये आटा है और वज़न वज़न कोई नहीं, अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ वीडियो में। ये देखें और ये डोर है मेरी तकरीबन 25 पाउंड की डोर है। अब ये बड़े दंदिए के लिए थोड़ी सी मोटी चाहिए होती है, वैसे बारीक डोर पे बहुत जल्दी चाल पता चलती है मगर मछली मिस हो जाता है, डोरी कट जाती है। बैठे में लगा रहे हैं डोरियाँ, इंशाल्लाह अभी लगाता हूँ डोरी में और फिर देखते हैं मछली क्या लगता है। भाई आज इन्होंने भी शहीदों में नाम लिखवा दिया, फैजान भाई ने एक दाना पकड़ लिया सुबह से ये लगे हुए मेहनत करने में, इन्होंने एक दाना पकड़ के। ये आप ही खाओगे भाई मछली बस फ्राई करके, आपने एक दाना पकड़ा है। दोस्तों भाई अभी जो है हमने अपना शिकार रोक दिया और अभी हम कहाँ आ गए ये देखें। ये हमारे आज के कुक सत्तार भाई जैसे हम लोग बनाते हैं, आज एक नया आइटम बना रहे हैं। नया आइटम क्या है भाई? मछली फ्राई। मछली फ्राई कर रहे हैं भाई। क्या माशाल्लाह दाना है यार, क्या बात है सत्तार भाई। है भाई गफार भाई आए इनके भाई माशाल्लाह। तो बस ये इनकी नसीब में था, ये लग गया, आज इनको हम खिलाएंगे माशाल्लाह। और भी दाने मारें और दिखाएं भाई, देखें
ये दाने देखें माशाल्लाह दंदिए। अरे वाह 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 भाई वाह यार सुभान अल्लाह माशाल्लाह वाह सत्तार भाई। और दंदिए देखें भाई ये मेहनत कैसे शीरा बेरा ये देखें ये शीरा देखें खुश हो ना बस आप खुश हो ना बस भाई तबीयत सेट नहीं थी मगर फिर भी अल्लाह ने मेरे को इतना मछली दे दिया। ये गिस्सर लगा था इसको इसको भाई मछली ने चक भी मारा जब मैं लेकर आ रहा था खींच कर तो इसको पकड़ा था किसी ने तो बहुत डोरी हेवी हो गई थी। और क्या है भाई और भी दंदिए मारे हमने ये देखें जबरदस्त माशाल्लाह भाई बच्चों का रश लग चुका है माशाल्लाह भाई एंड हो गया। हाँ भाई कैसा लगा हमारा शिकार जबरदस्त लगा शकील भाई साइज कैसे हैं दंदिए के जबरदस्त साइज है माशाल्लाह। ये हमारे भाई हैदराबाद से आए हैं इनको भी मैं आपकी लिंक वगैरह सेंड करता था तो माशाल्लाह ये वहाँ से आपकी वीडियो अच्छा। देखते थे ये भी आपके सब्सक्राइबर है माशाल्लाह आपसे मिलने की ख्वाहिश थी आज वो पूरी हो गई एंड हो गया और शिकार भी देख लिया लाइव देख लिया सब निकालते हुए माशाल्लाह यार सत्तार भाई क्या बात है। और भाई मेरे को इससे भी बहुत बड़े बड़े साइज के दंदिए आए मगर मेरी डोरियां बहुत कटी आज निकल नहीं सके टूट गए बहुत टूटी डोरियां बहुत दंदिए हमारे सामने की बात है काफी बड़े बड़े दाने इनके जाए और शकील भाई के समझने काफी कोशिश करी इन्होंने लेकिन नसीब की बात है कि नहीं निकल पाए अल्लाह खैर करे कोई मसला इसका नेमो गुजर अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह देता अल्लाह बिल्कुल भाई अल्लाह ताला खुश करता है माशाल्लाह परवरदिगार। और अभी जो है ये मजे उड़ाएंगे अब हम इसके बेहतरीन तो चलें सत्तार भाई बनाएं इंशाल्लाह। ये भाई हमारे नोमान भाई सत्तार भाई के साथ हेल्प कराते हुए माशाल्लाह भाई आज फिर से शकील भाई ने गुलदस्ता सजा दिया भाई। ये सत्तार भाई आपने सजाया हमने तो सिर्फ मछली पकड़ी है और मसाला लगा के पकड़ी आपने मेहनत आपने की भाई नहीं नहीं आपकी भी मेहनत अल्लाह पाक ने दिया परवरदिगार ने माशाल्लाह देखें कितना काला दंदिया माशाल्लाह मसाला लगा हुआ है। अब इसको बेहतरीन फ्राई करेंगे हमारे सत्तार भाई और सारे दोस्तों को फिर खिलाएंगे मजे उड़ाएंगे हम लोग। ये गफ्फार भाई की मोहब्बत में रखा गया है ये प्रोग्राम और ये बिलाल भाई की ये हमारे भाई आज आया हुआ है भाई भाई गुरु तो ये सारे सत्तार भाई के भाई हैं ये भी सत्तार भाई के भाई हैं गफ्फार भाई और इनका नाम भूल गया नूर मोहम्मद भाई ये बिलाल भाई ये सत्तार भाई के बेटे हैं बिलाल भाई मोहम्मद बिलाल हाँ तो आज ये मजे उड़ाएंगे ये हमारे नोमान भाई ये हमारे लियाकत भाई कुके मम देते हैं मगर जीरा बुना हुआ है और जीरा भी बुना हुआ सब चीजें बुनी हुई यार पता सब देने भी बुना हुआ भाई करते हैं ये यही कर रहे हो ना उधर जाने में दुख तो सी। दोस्तों अभी हम यहाँ सत्तार भाई के साथ खाना बना रहे थे तो एक भाई हमारे आए यहाँ पे और हमारा चैनल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं ठीक है तो क्या कहेंगे आप भाई आप मैं शकील भाई का चैनल दुबई में देख रहा था तो खुद एक स्पोर्ट्स स्पेशल में हूँ और मैं बस यहाँ पाकिस्तान आया था बड़े अच्छे के बाद तो मैंने कहा चले यहाँ देखता हूँ क्या स्पॉट है रॉड वगैरह लेकर आया था फैमिली भी थी तो मैं देखने आया था कि यहाँ फिशिंग की जगह कैसी है तो शकील भाई तफाकर मिल गए और खाने का फिर कैच क्लीन इनको सही कर रहे हैं लेकिन बाकी ये है कि आप फैमिली को लेकर आएँ और जो भी है आप देखें फिशिंग करवाते हैं हम कोशिश करते हैं जो आप उनसे हो सकेगा गाइडलाइन आपको देंगे बिल्कुल और आपसे मिल के बड़ी खुशी हुई भाई मेरे को भी आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं आप लेकर आए इंशाल्लाह। हाँ जान तो है तो भाई इस पे मछली आएगा थोड़ा सा सूरज नीचे जाने तो इस पे मछली आएगा आपका ये रिपेला है ना हाँ बहुत जबरदस्त है बेहतरीन चीज़ है मसला नहीं है ये सब तो, केचुए भी हैं सही है सही है सही है। अच्छा अभी हम इसको वेट बांध दें वेट में बांध देता हूँ आपको ये पकड़ पेट दें भाई हमारे दोस्त आए हैं दुबई से और ये इनकी बेटी हैं तो ये वेट दिखाएं ज़रा तो ये वेट बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा
लाइट वेट इससे इसका छोटा वाला जी जी इंशाल्लाह पकड़ के भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। असल में अभी थोड़ा सा ये मसला हो गया, पानी एकदम जो है ना तेज हो गया, तो थोड़ी दो घंटे पहले अच्छी फिशिंग हो रही थी जो हमने पकड़ी है। कोशिश करते हैं फिर भी आपके लिए। यार गोली वजन लाएगा उधर से भाई। इस चारे से हम कभी खेलते नहीं हैं, मगर अभी फिशिंग इतनी नहीं हो रही तो ये रॉड से शिकार खेल रहे हैं, तो हम इसको जो है लगाएंगे इसके अंदर। तैयार हो गया हमारा सिस्टम सारा, ये लें। अब आपने फेंकनी है डोरी। थोड़ा सा पीछे रे बेटा, बो बन्ने थोड़ा लगती है भाई। देखते हैं अब क्या लेकर आ रही हैं, लेकर आए। भाई मछली लग गई है, कहाँ इधर आई है। वाह वाह वाह, क्या बात है। दिखाएं जरा, मैं उठाऊं इसको। आप बैठे रहें, चलो 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 आ गई, बन गई। पत्थर बहुत है भाई, मछली लग गई। ये शकील भाई ने मुझे फिशिंग करवाई, बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई आपने। भाई आप तो वहीं से मैं आया था, मैंने कहा चलिए सिर्फ स्पॉट देखने आया था, लेकिन शकील भाई ने फिश करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मछली का नाम है भाई, वही यहाँ पर कहते हैं, वहाँ क्या कहेंगे इसको दुबई में। हमारे यहाँ ड्रम ही चला, ड्रम आप ले जाएं। हमने क्या करना है, यहाँ या तो छोड़ दें या खा लें। वो उसमें डाल देंगे।
This is our Shakil bhai. I came all the way from Dubai. I'm a subscriber to his channel. He helped me catching a fish here. I was scouting here for the trip. If there is any fishing spot, and I found him just cooking with Sattar bhai. Amazing cooking. And Shakil bhai, you have made my day. Thank you very much, Shakil bhai. Sir, aapki mohabbat hai. Aapne hame आपने बोला और हमने आपको फिशिंग करवाई, कोशिश करी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट टाइम अगर भरपूर टाइम मिलेगा और टाइमिंग पे हम आएंगे तो इंशाल्लाह अच्छी फिशिंग हो, बिल्कुल साथ करेंगे, बहुत बहुत नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे। और जी जी माशाल्लाह भाई, हमारी फिश तैयार की जा रही है अभी, ये देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। कुछ साथी हमारे दुबई के आ गए थे तो उनसे बातचीत चल रही थी, तो सत्तार भाई माशाल्लाह काम में लगे हुए थे अपने, और बेहतरीन फिश फ्राई। दोस्तों माशाल्लाह हमारा खाना तैयार हो चुका है सत्तार भाई की मेहनत के साथ, मेहनत बहुत करी माशाल्लाह सत्तार भाई ने। इसमें देखें चटनी वगैरह कितनी प्यारी प्यारी, आलू बुखारे की चटनी, क्या क्या है सत्तार भाई इसमें, चटनी कौन कौन सी है इसमें? आलू बुखारे की चटनी, इमली की चटनी है, सही का रायता है, सही। ये हमारा अचारी सलाद है हमेशा के लिए जो हम लोग बनाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह चपाती देखो यार, सुभानअल्लाह, क्या बात है, अल्लाह ताला की नेमतों में कमी नहीं है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। भाई भाई लोग, आप लोगों को कैसा लगा ये प्रोग्राम? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत से यार सत्तार भाई ने तो यार सजा दिया, कैसे बन गया प्रोग्राम भाई। और ये देखें कि सामने आपके कुलाची होटल नजर आ रहा होगा, मगर हम यहाँ पर इधर बैठ के बाहर खाना खा रहे हैं और इतना लाजवाब खाना खा रहे हैं, देसी खाना बेहतरीन। ये हमारे सारे साथी बैठे हुए, और मैं आपको ऐसे दिखाऊँ, ये मेरा भांजा बैठा हुआ फैजान, सत्तार भाई बैठे हुए। तो चलते हैं दोस्तों, खाने के मज़े लूटते हैं, चलें भाई शुरू करें, बेहतरीन माशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। हमने मछली खा ली है, अब हम आम खाएंगे, आम की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। उठाओ भाइयों आप, माशाल्लाह उठाओ सब, लो भाई उठाओ उठाओ सब, उठाओ भाई। ये पहली दफ़ा हो रहा है ऐसा कि आम मछली के साथ आम खा रहे हैं, गर्मी के साथ शकील भाई, क्या बात है। नहीं इससे पहले भी हमने खाया है मछली का सालन और आम, और अब देखते हैं कुछ हो ना जाए उल्टा सीधा, यार डर लगता है मेरे को ना। सत्तार भाई कुछ होगा तो नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मछली फ्राई के साथ आम खा रहे हैं, नहीं होगा, नहीं होगा, अच्छा जबरदस्त। हाँ लियाकत भाई, अच्छा मजा आ रहा है आलू बुखारे की चटनी के साथ, आलू बुखारे चटनी रायता, अच्छा फिर क्या हो रहा है? एंड हो गया, ये पार्टी औरंगी टोन की पार्टी है भाई, ये औरंगी टोन से पार्टी आई जो है ना, सत्तार भाई की मोहब्बत में ये प्रोग्राम बना था। और ये था आज सिर्फ भाइयों का प्रोग्राम, क्योंकि सत्तार भाई के भाई थे दोनों, और बेटा था, और सत्तार भाई थे और हमारे दोस्त लियाकत भाई थे, नुमान भाई थे। तो बस ये कि शिकार का जो मामला चल रहा था, कुछ 24 घंटे के शिकार के अंदर कुछ 2 घंटे 2.5 घंटे शिकार हुआ इसमें, मगर फिर भी हमने बहुत मेहनत करके मछली पकड़ी और बनाई और खाई, इंजॉय किया, तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉयमेंट करा। और सत्तार भाई से पूछते हैं इनको कैसा लगा? माशाल्लाह भाई ट्रेंड हो गया, बहुत प्यारा मज़ा आया, बेहतरीन था सब, बहुत अच्छी चल थी माशाल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी थी माशाल्लाह। और भाई आप लोगों के लिए बेहतरीन सी प्यारी सी वीडियो बनाते हैं हम लोग, और अभी मेरी तबीयत भी बेहतर नहीं है, ईद के बाद से जो है ना मेरी चढ़ा हुआ है, तो फिर भी मैंने कोशिश करी कि वीडियो डालूं, क्योंकि यूट्यूब के लिए काम करना ज़रूरी, जब काम करेंगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो बस इसी तरह से आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, देखते रहो शकील फिशिंग फैन, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, ओके अल्लाह हाफिज़।